चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में कितने परसेंट कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, ये स्टेटस आ चुका है, ये डाटा आ चुका है कि कौन सी कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल परसेंटेज बताऊंगा। अगर इसको हम 21 से कंपेयर करें तो इस बार ज्वाइनिंग बहुत ही ज्यादा हुई है और ये राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस बार जो ऑल इंडिया में ज्वाइनिंग हो रही है वो भी ज्यादा हो रही है और जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें भी ज्यादा ज्वाइनिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की ही बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट ज्वाइनिंग हुई है, उसके बाद अदर स्टेट्स और ऑल इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान स्टेट की जो फर्स्ट राउंड में ज्वाइनिंग हुई है गवर्नमेंट और पेमेंट सीट पर 77% ज्वाइनिंग हो चुकी है और इसमें सेकेंड राउंड के लिए 23% सीट ही वैकेंट है। अगर हम 21 का इसके साथ कंपेयर करें तो 21 में गवर्नमेंट की कंडीशन में 39% सीट वैकेंट रही थी, 61% स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था। पेमेंट की कंडीशन में 60% स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था और 40% सीट वैकेंट रही थी। यानी कि पिछली बार 21 का और इस बार का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार 77% ज्वाइनिंग हो चुकी है, 23% सीट ही वैकेंट रही है। लेकिन पिछली बार ये 61% सीट ज्वाइन हुई थी और 39% सीट ही वैकेंट रही थी। तो ये तो कंपैरिजन है पिछली साल का और इस साल का। इस साल जो ऑल इंडिया में और स्टेट में जो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इस बार कट ऑफ तो डाउन जा रही है फर्स्ट राउंड की, लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो ज्यादा हो रही है। फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग ऑल इंडिया में भी ज्यादा हुई है, बाकी स्टेट्स में भी ज्यादा हो रही है और राजस्थान में भी ज्यादा हो रही है। अब एक बार ऑल इंडिया की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया में मैंने आपको क्लियर सीट का बताया था कि 65% सीट वैकेंट है, लेकिन हम क्लियर सीट और वैकेंट सीट सॉरी वर्चुअल सीट का देखें, हम दोनों को मिलाकर देखते हैं तो टोटल 59% सीट ही अब की बार वैकेंट होकर आई है सेकेंड राउंड के लिए। लेकिन अगर 21 का कंपेयर करें ऑल इंडिया के लिए तो ये 67% थी पिछली बार वर्चुअल सीट और क्लियर सीट को मिला के। तो इतना ज्यादा डिफरेंस रहा है इसमें, यानी कि 8% का डिफरेंस रहा है। अब की बार 8% स्टूडेंट ने ऑल इंडिया में ज्यादा ज्वाइनिंग की है और राजस्थान की ज्वाइनिंग मैं बता चुका हूं, बाकी स्टेट्स की ज्वाइनिंग का भी यही हाल है। डिम्ड ने तो इस बार कमाल ही कर दिया है, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि डिम्ड की फर्स्ट राउंड में इतनी सीटें ज्वाइन हो चुकी हैं, वो इतिहास में पहली बार हुआ है। अब राजस्थान स्टेट में जब इतनी सारी सीटें फिल हो गई फर्स्ट राउंड में तो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट को ऑल इंडिया में मूव करना चाहिए। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको ऑल इंडिया में अच्छी सीट मिल सकती है, जो बाउंड्री लेवल के कैंडिडेट्स हैं उनको तो ऑल इंडिया में जाना ही जाना है। अगर फिर भी आप राजस्थान में सीट चाहते हैं, अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट भी राजस्थान में चाह रहे हैं, बाउंड्री लेवल के कैंडिडेट भी राजस्थान में चाह रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया से राजस्थान की सीट प्रिफेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑल इंडिया में अच्छे अच्छे स्टेट्स में अच्छी अच्छी सीटें मिल जाएंगी तो आप ऑल इंडिया में प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी भी टाइम है आपके पास में, आज च्वाइस फिलिंग का रात 12 बजे तक लास्ट डेट है, तो आप अभी च्वाइस अपने चेंज करके आप ऑल इंडिया की अच्छी अच्छी सीटें फिल करें ताकि आप राजस्थान पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि राजस्थान की जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ जाने वाली है वो पिछले साल से डाउन नहीं जाने की पॉसिबिलिटी है, पिछले साल से अप रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि राजस्थान में ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। हालांकि ये ज्वाइनिंग स्टेटस है जो फाइनल है वो 13 नवंबर 2022 को आएगा, जो राजस्थान का शेड्यूल आया है वो भी आगे पोस्टपोन हो सकता है। तो जब 13 को इसका शेड्यूल आएगा, 12 तक स्टूडेंट इसमें जो रिजाइन करना है वो रिजाइन कर देंगे, 13 को आएगा वही फाइनल रहेगा। लेकिन अभी से ये संकेत ठीक नहीं मिल रहे हैं, राजस्थान स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए ये चिंता का विषय है कि उनको अपने स्टेट की बजाय अगर आप वो ऑल इंडिया से प्रिपेयर करते हैं तभी वो बेहतर रहेंगे, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कट ऑफ की बात करें राजस्थान के सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ जा सकती है, तो कट ऑफ पिछली बार से डाउन नहीं जाएगी, पिछली बार से अप ही रहेगी। कॉलेज वाइज देखें तो भी वही रहेगा और अगर इंडिविजुअल लास्ट कट ऑफ देखें तो वही रहेगा। इसलिए आपको ऑल इंडिया कोटा प्रिपेयर करना चाहिए राजस्थान के कैंडिडेट को। डाटा मैंने पूरा बता दिया है, सारा एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको फिर से एक बार समराइज करवा देता हूं कि इस बार जो ज्वाइनिंग हुई है वो 77% हुई है, पिछली बार जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 61% ज्वाइनिंग हुई थी राजस्थान के फर्स्ट राउंड में। ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में भी ज्वाइनिंग रेशियो ज्यादा है, ऑल इंडिया के क्लियर सीट का और वर्चुअल सीट का लगा के देखते हैं तो पिछली बार 67
परसेंट इसमें सीटें वैकेंट थी, अब की बार 59% सीट ही वैकेंट रही है ऑल इंडिया में भी। तो आप अपने हिसाब से इसमें प्लानिंग कर लें, आपको कौन से स्टेट की कौन सी कॉलेज लेनी है, नियर बाय स्टेट्स की भी आपको अच्छी अच्छी सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि आपको अभी राजस्थान स्टेट पर डिपेंड नहीं रहना है। ये जो ऑल इंडिया के लिए अभी च्वाइस फिलिंग चल रहा है, ये आपके लिए एक दिन बढ़ना अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें पहले ही इसके बारे में मालूम चल गया है कि ये सीटें कितने परसेंट वैकेंट होके आ रही हैं। ये जो फाइनल सीट आएंगी वो 13 को आएंगी, लेकिन संकेत अभी मिल चुका है इसमें रिजाइन वाले बच्चे बहुत कम होंगे, जिनको ऑल इंडिया में सीट मिलेगी बहुत कम बच्चे होंगे रिजाइन वाले, तो आपको ऑल इंडिया में सीट लेना बेहतर रहेगा। लास्ट में यही सारांश है, जो बातें थी मैंने आपको सारी इसमें बता दी है, पॉसिबिलिटी बता दी है, क्योंकि हम राजस्थान क्या सारे ऑल इंडिया का पहले से ये देखते आ रहे हैं। इस बार ट्रेंड चेंज हो चुका है, इस बार कट ऑफ तो डाउन जा रही है लेकिन ज्वाइनिंग ज्यादा हो रही है। पहले कट ऑफ अप जाती थी लेकिन ज्वाइनिंग कम रहती थी, उससे सेकंड राउंड में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार काउंसलिंग का ट्रेंड चेंज हो चुका है, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक आपको सीट लेनी पड़ेगी। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि बाकी समय में ऐसा हुआ है, ये 2020 में भी ऐसा हुआ था, 2019 में भी ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट राजस्थान के भरोसे रह गए थे, वो कहीं के भी नहीं रहे थे बाद में। इसलिए आप समय के अनुसार काउंसलिंग की जो पॉसिबिलिटी है, काउंसलिंग में हमें सीट कहाँ मिलनी है, ये समय के अनुसार चेंज होता रहता है। ये नहीं कि हमने पहले सोच के बैठ के कि यही करना है, तो फिर जैसे जैसे काउंसलिंग की कंडीशन आती रहती है, कौन से स्टेट में कितनी कट ऑफ जा रही है, ऑल इंडिया में कितनी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो ये जानकारी थी राजस्थान, ऑल इंडिया सभी के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट्स के बारे में नई वीडियो में। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है अगर आपको पसंद आता है, तो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको स्टेट्स और इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।